और हम भी रसिया के पेट्रोल पंप पे पहली बार आए। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बराबर ब्लॉग। स्वागत है आपका नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज सबसे पहले, हाँ भैया बोलिए, क्या वो उसमें नहीं आएगा? कोई बात नहीं है, ले लेंगे, आज साइकिल ले ही के जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो गाइज सबसे पहले तो हम गए MBDO। ये देखो यहाँ से हम लोग ये मिक्सर खरीदे, ये देखो ये मिक्सर है। और अभी हम लोग लेंता में ये साइकिल खरीदने के लिए। हाँ भैया बोलिए, यही ले लें, क्या बात बोल रहे हैं आप। सही है ना कलर, ये भी सही है। वाइट तो तुमको देख लो, अगर ये नहीं मिलेगा ये हमको लगता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बस चूड़ी। हाँ ये टूट जाएगा ना, इससे इससे उतना सही भी नहीं रहेगा, वो छीटा पड़ेगा अगर पानी में गए तो। बाकी देख लेते हैं, फिलहाल ये कलर हमको बढ़िया लग रहा है। साइकिल देख लो गाइज, यहाँ पे देख लो दाम भी कितने का है। 50% ऑफ है क्या ये? 10,499। और यहाँ पे साइकिल अभी जो है असेंबल किया जा रहा है, ये यहाँ गियर भी है। एक्चुअली गाइज ये जो साइकिल है ये देखो एक्चुअली 20,000 का है, और अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो 10,500 में हो जा रहा है। ऐसे इस साइकिल का दाम है 20,000। रसिया की हमारी पहली सवारी, बाकी सब बढ़िया है, फटाफट से बिलिंग कराते हैं। यहाँ पे नारियल कितने का है, इसमें दाम लिखा है क्या? 99। ये देखो गाइज 99 का नारियल। अभी देखो हम लोग यहाँ से कुछ खरीदने वाले हैं, ये खरीदे थे ना उस दिन, ये वाला। आज का डिनर हमारा गाइज ये है और ये है, ये देखो। और ये वाला जो ब्लॉग बन रहा है विकास भैया के साथ बन रहा है, डॉक्टर मुसाफिर के साथ बन रहा है। तो टैक्सी वाले ने कह दिया कि ये सामान लेके निकल जाएंगे, और अपना गाड़ी जो अभी यहाँ पे है नहीं, कहीं गया होगा। उस दिन मेरा फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था, इसीलिए आज ये होना ज़रूरी था कि हम फिर से ब्लॉग कर सकें। आज देखिए फिर हम हैं विकास भैया के साथ, डॉक्टर मुसाफिर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब चैनल का, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब बढ़िया है। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि हम साइकिल यहाँ से ख़रीदे थे और उसका हो गया था ब्रेक ख़राब, उसका ब्रेक ख़राब हो गया। तो गए एक जगह ब्रेक बनवाने के लिए, तो वहाँ पे बोला गया 500 रूबल लगेगा। तो भैया कहते हैं कि ऐसा करो कि चलो लेंता में, जहाँ से यहाँ से लिए हम लोग, लेंता से लिए साइकिल, यहाँ पे वारंटी में है, जो होगा देखा जाएगा, चल के यहीं पे ब्रेक चेंज करवा लिया जाएगा फ्री में। यहाँ आने के बाद ऐसा होता है साइकिल हम 3 दिन चला भी लिए और हमको मिल गया नया साइकिल। मजा आ गया। और ये दिक्कत हो रहा है कि जाएगा कैसे, अपना गाड़ी यहाँ पे है नहीं, अपना गाड़ी यहाँ से दूर है, और अभी टैक्सी कर रहे हैं तो टैक्सी वाले लेके जाना नहीं चाह रहे हैं। अभी हम लोग जुगाड़ लगाए हैं, टैक्सी वाले को कुछ पैसा देके बोलेंगे कि इसको मेरे घर तक छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम लोग देख लेंगे। फिलहाल फिर भैया बात करें दूसरे टैक्सी वाले से, उस समय एक और टैक्सी वाले से बात की है, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्या हुआ, हो गया क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं। डिक्की में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, उधर ही आएगा, सीट पे ही आएगा। देखो इतना बड़ा डिब्बा, दो टैक्सी कैंसिल। ये भाई साहब भी नहीं लेके जाएंगे ये डिब्बा, अब देखते हैं कैसे जाएगा। नया YouTube ऐप, YouTube से भैया परेशान है, कह रहे हैं कि 2000 सब्सक्राइबर अगर है
अगर सबको नोटिफिकेशन जाए एटलीस्ट 1000 तो देखेगा यार। सही बात है यार, नोटिफिकेशन ही नहीं जाता वीडियो अपलोड करने। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं अपना साइकिल को असेंबल करवाने के लिए, गाड़ी अपने पास है और निकलते हैं। देखो गाड़ी बाहर लगा हुआ है। अपना जो साइकिल है डब्बा वाला, ये यहाँ पे सेट हो गया है। सीट वगैरह खोलना पड़ा। भैया गए हैं वो चिल्लर को नोट में बदलने के लिए। अपना जो धन्नो है उससे तो खूब घूमते हैं इंडिया में, लेकिन आउट ऑफ इंडिया पहली बार हम यही गाड़ी चलाएं आउट ऑफ इंडिया। और हमेशा याद रहेगा कि इसी गाड़ी से, विकास भैया का गाड़ी से हम विदेश में गाड़ी चलाना सीखें, क्योंकि विदेश में गाड़ी चलाना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि देखो वहाँ पे अक्सर इंडिया में क्या होता है कि स्टेयरिंग उस साइड होता है और यहाँ पे स्टेयरिंग इस साइड है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक्चुअली ये वाला हाथ जो है उधर गियर की तरफ जाने लगता है। आदत होता है हम लोग का ये हाथ से गियर लेने का, तो ये हाथ इधर जाने लगता है और यहाँ पे गियर उल्टा होता है। तो यहाँ पे रसिया में जब हम गाड़ी चलाए तो जो एक्सपीरियंस था ना गाइस, मज़ा आ गया। मतलब हमको लगा ही नहीं कि हम उल्टा साइड स्टेयरिंग वाला गाड़ी चला रहे हैं। सेम टू सेम लग रहा था कि एकदम से इंडिया जैसा ही चला रहे हैं। यहाँ पे रूल रेगुलेशन भी वो सब भी फॉलो करना पड़ता है। बाकी सब बढ़िया, विकास भी आ गए नोट लेके आ गए। लोग दुकान में पैसे देता, हम दुकान से पैसा लेके आए। दिखाइए रूबल। क्या बात है। चलिए चला जाए। चला जाए साइकिल वाला दुकान। सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। ये देखो विदेश का पेट्रोल पंप ऐसा होता है, देख लो। खुद से भरवाना पड़ता है क्या है? मतलब खुद से भरना पड़ता है? हाँ गैस वो भरेगा। अच्छा गैस, चलिए हम लोग को गैस भरवाना है। और हम भी रसिया के पेट्रोल पंप पे पहली बार आए हैं। या अभी अच्छा वहाँ पे काउंटर के पास गए हैं, देखो पहली बार हम आज आए हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप का दर्शन हुआ आज। देखो गैस फिल हो रहा है गाड़ी में। ये देखो गाइस 200 का गैस हम लोगों ने भरवाया है और जो प्राइस लिस्ट है वहाँ पे। अच्छा यहाँ ब्लॉगर को ब्लॉगर बोलते हैं ना, तो जैसे इंडिया में गाइस हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह जो कंपनी होता है पेट्रोल का, तो यहाँ पे भी देखो ये एक्स्ट्रा करके और यहाँ पे सबसे सस्ता गैस यहीं पे मिलता है। 21.48 रूबल करके कुछ ऐसे मिलता है लीटर। बाकी बिल्डिंग मस्त लग रहा है। सो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए साइकिल वाला शॉप। बड़ा अच्छा जगह में शॉप है, देखो लग रहा है कि पार्क के बीचों बीच ये वाला दुकान है। ये हो गया हमारा साइकिल का अनबॉक्सिंग। अब जो है अपना साइकिल का काम शुरू हो गया फाइनली। Запомни, велосипед скупой платит трижды.
तो अपना साइकिल अब रेडी है। चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, एक नंबर। पीछे लाके ऐसे करके और सीधा गधा के पीछे से निकाल। रुक जा, रिकॉर्डिंग ऑन कहाँ से करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑन है।